चार साल के बच्चे की बॉडी को पुलिस ने 40,000 में किया नीलाम और फिर सौदे की वीडियो पर गरमाई सियासत। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। बिहार के सुपौल जिले से एक बच्चे की मौत पर पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। उठना लाजिम है क्योंकि बच्चे की मौत का डील थाने में बैठे साहब के सामने हुई। चार साल का बच्चा और 40,000 में मामले को समाप्त कर दिया गया। पूरा मामला क्या है? दरअसल बच्चा बुखार और सर्दी से बीमार था और पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस हॉस्पिटल का नाम लाइफलाइन है। इलाज लगभग 10 घंटे चला। इस बीच परिवार वालों से 60,000 से 70,000 हॉस्पिटल वालों ने भरवा लिया, यानी ऐड लिया। फिर रात 12 बजे मौत की खबर सुना दी। परिवार वाले शव मांगने लगे तो हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने उन पीड़ित परिवारों से मारपीट कर ली और ये कहा कि आपके बच्चे का शव पुलिस थाने में भेज दिया है। ये कहकर भेज दिया और उनके साथ मारपीट की भी की गई। अंत में पुलिस थाने में 40,000 की डील हुई और फिर पैसे देकर गिनने को भी कहा गया। कहा जाता है इस मौके पर वीडियो बन रही थी और वीडियो वायरल होते ही सियासत गर्म हो गई। देखिए इस वीडियो रिपोर्ट में। बच्चा खाना मर गया है तो हमको मारने पीटने लगा तो उसके बाद हम इधर भागे। मेरा साथ में एक मेरा बहन था, एक भागो था, उसको भी बच्चा को थाना पे भेज दिया। बच्चा को थाना पे भेज दिया, अपना एम्बुलेंस से हूँ। और ये पुलिस आई तो क्या सब की? सारा कागज पत्तर पुलिस की गल के पुलिस वाला आया यहाँ तो हमको डांट फटकार के भगाने लगा। पुलिस के सामने 40,000 में मौत का सौदा तय होता है, इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी जस्ट जो है आप लोग के द्वारा एक वीडियो दिखाया गया है तो उसका हम जो है जांच कराएंगे। अभी हम SDO साहब से भी बात किए हैं तो वीडियो का जांच और अगर ऐसा कुछ ये होगा बात आएगा उसमें तो जांच करके जो है जो भी कार्रवाई होगी।